स्वागत है दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि YouTube पे आप इंडस्क्रीन कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, बस उसे आप फॉलो करते रहे। इंडस्क्रीन क्या होता है कि जैसे कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं उसके लास्ट में अपीयर होने वाला एक जो सेक्शन होता है जिसकी मदद से आप उसके उसी चैनल पे जो वीडियो है जो आप बहुत ज्यादा लाइक्स आए हुए हैं, शेयर हुए हुए, जो बहुत पॉपुलर वीडियो, उसे आप इंडस्क्रीन पे आप लगा सकते हैं। इंडस्क्रीन के भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप दो इंडस्क्रीन, एक सब्सक्राइबर वाला, यानी अगर जब वीडियो आपकी लास्ट होती है तो आपको डायरेक्ट उस वीडियो पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है या सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलता है। दोनों चीज़ वहाँ पे बहुत ही आसानी से इंडस्क्रीन की मदद से हो जाती है। अब इंडस्क्रीन लगाते कैसे हैं, इसका प्रोसेस अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर जो है फोन का वो खोलना है। इसकी मैंने अपना क्रोम ब्राउजर खोल लिया है। सबसे पहले आपको YouTube लिखना है, YouTube.com। यहाँ पे देखिए YouTube.com मैं लिख रहा हूँ आपको। YouTube.com लिखते ही आपको इसको सर्च करना है YouTube और अपना अकाउंट जो है YouTube पे बना वो खोल लेना है। देखिए सबसे राइट टॉप कॉर्नर पे आपका लोगो आ जाता है, आपके चैनल से रिगार्डिंग जो नेम है आपका जो चैनल है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए सारे डिटेल्स आगे हैं, आप क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद क्रिएटिव स्टूडियो पे क्लिक करना है आपको। क्रिएटिव स्टूडियो पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा क्रिएटिव स्टूडियो का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स बने होते हैं लेफ्ट साइड में, जिसपे आपको वीडियो सेक्शन में जाना है। जैसे मैंने आपको यह करके दिखाया, मैं अभी वीडियो सेक्शन पे क्लिक किया हूँ। सारे वीडियो जो जितने भी आपने वीडियो जो अपलोड किए हैं एक एक करके सारे कुछ आ रहे हैं। मैंने अपने जो वीडियो क्लिक किया, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उस पर मुझे क्लिक करना है। को खोलते ही राइट साइड में आपको इंड स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, आप मैंने उस पर क्लिक किया है। अब वो लेआउट खुल रहा है कि इंड स्क्रीन जो है, मान लीजिए जो वीडियो आपका जो खत्म होने से 10 सेकंड पहले या 15 सेकंड पहले अपीयर होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिले हैं, एक सब्सक्राइबर, दो वीडियो, दो सब्सक्राइबर, एक प्ले लिस्ट, आप कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे बेसिकली मैं दो सब्सक्राइबर दो वीडियो वाला अपलोड करता हूं, दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। इसमें एक वीडियो वो डालूंगा जो इसी से रिलेटेड है। इंडस्क्रीन सबसे बड़ी बात होती है कि आप वही वीडियो डालें जो इससे रिलेट करता हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे ये वीडियो मैंने अपलोड की तो इससे रिगार्डिंग जो इसी से रिलेट करता हो, सेम यूट्यूब से ही अगर कुछ नॉलेज है तो उसको मैंने एक पहले वाले वीडियो में सिलेक्ट कर दिया है। देखिए मैंने एक इसका एक सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट होते ही वो देखिए आपको लेफ्ट साइड में जो वीडियो के लेफ्ट साइड में वो अपीयर हो जाएगा। अब मैं एक राइट साइड के लिए अपीयर कर लेता हूँ। दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं मल्टी नंबर ऑफ टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर आपको सेव राइट कॉर्नर पर सेव ऑप्शन मिला, उस पर सेव क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना और ये आपका इंडस्क्रीन तैयार हो गया। जब आप अपना वीडियो प्ले कीजिएगा उसके लास्ट में आपको ये 15 से 20 सेकंड पहले आपको इंडस्क्रीन नजर आएगा कि मैंने दो वीडियो अपलोड किया। डायरेक्ट हम कोई भी आपका जो व्यूअर है जो चैनल सब्सक्राइब किया है उस पर डायरेक्ट वीडियो पे आप चला जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल है और ये लेआउट है आपका। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह अपना प्यार और हमें सपोर्ट दिखाते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज डू सब्सक्राइब और चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ अलग देखना है, ब्लॉगिंग भी करना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ। तो आप प्लीज अपने हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।